नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। एक प्रमुख अपडेट मिल रही है तो मैं तत्काल जो है उपस्थित हूँ आपके सम्मुख अपडेट देने के लिए। इसके पहले 97 41 13 85 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर टेट सुपर टेट सी टेट टी जी टी पी जी टी एल टी के उत्कृष्ट टेक्स्ट बुक्स बने हुए स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। ये हैंडमेड नोट्स है, ये आपकी तैयारी में रामबाण सिद्ध होगा। चलिए, अपडेट जो मिल रही है वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए मिल रही है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में इस बार चार विषय ऐसे हैं जिनमें पदों की संख्या 1500 तक है, ठीक है। उन चार विषयों का नाम मैं आपको बता दूं, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, संस्कृत, हिंदी। इन चार विषयों में इस बार 1500 से अधिक पद आएंगे और आपका चयन जो है इसमें लगभग लगभग सुनिश्चित होगा अगर आप कायदे की तैयारी करेंगे तो। दूसरी प्रमुख अपडेट हम आपको बता दें, एडेड जूनियर हाई स्कूल परीक्षा की आपने रिजल्ट अपना देख लिया होगा, 90-97 पे क्वालिफिकेशन किया गया है, क्वालिफाई कराया गया है विद्यार्थियों को। अब इसकी जिला आवंटन सूची आपकी बननी शुरू हो गई है एससीईआरटी में, और जो सूचना प्राप्त हो रही है कि आपका जो मेरिट जाने की संभावना दिख रही है, इसमें मेरिट जाने की संभावना आपकी 70 जो है जनरल की जाने की संभावना प्रबल दिख रही है, ठीक है। 70 अगर किसी का गुणांक बन रहा है तो आराम से उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और 69 पे आपका ओबीसी, 65 पे एससी और 62 पे एसटी, ये आराम से सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। और 68 जो है वो पीएच की जाने की संभावना दिख रही है, जो बताई जा रही है कि पीएच जो है वो 68 पे हो जाएगा। तो ये थी आपकी एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो मेरिट लिस्ट। आगे आपको एक चीज और हम बता दें, कंप्यूटर साइंस जो इस बार एक नया विषय टीजीटी में शामिल किया जा रहा है, उसमें जो प्राप्त अध्याचन है, प्राप्त अध्याचनों की संख्या अभी मात्र और मात्र 121 है, ठीक है। 121 अध्याचन अभी तक प्राप्त हुए हैं कंप्यूटर साइंस के। और मैं आपको बता दूं, इस बार आपको शिक्षा समाजशास्त्र भी देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए एसएसटी में जो पदों का दायरा होगा वो लगभग 2500 होगा। 2500 पद आपके लिए जो है मतलब एसएसटी में होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी भर्ती है ना। मैं टीजीटी 2022 की बात कर रहा हूँ, बहुत मतलब बिग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो आप लोग पूरी तन्मयता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ तैयारियां करिए, क्योंकि ये तैयारी आपके भविष्य का निर्धारण करेगी, आपके परिवार के भविष्य का निर्धारण करेगी। तो आप पूरी तन्मयता के साथ इसमें तैयारी कर सकते हैं और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। जहां तक कुछ उठापटक मिल रहा था प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 79,000 पदों पर, जो कि अब तक की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, यह होने चल रही है। ये इसका विज्ञापन आपका 12 दिसंबर तक आ जाएगा। तो आप लोग तैयारियों में जुट जाइए, लग जाइए। अगर आपको सुपर टेट के मटेरियल चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 97 41 13 85 पर। और मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अवशेष पैनल 2013-2016 इनकी काउंसलिंग 25 नवंबर से प्रस्तावित है, 25 नवंबर से इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी और इनको नियुक्तियां दी जाएंगी। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी 2021 की वेटिंग लिस्ट में है उनका भी कल्याण बहुत जल्दी ही होगा, क्योंकि सीटें बहुत रिक्त हो रही हैं, सीटें खाली जा रही हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कई विद्यार्थी छांटे जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें सामने भी आ रही हैं, लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से उसको नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो मतलब राम कहानी है, उससे क्या मतलब है, ठीक है। आप लोग अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, तैयारियां करते रहिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को बढ़ावा दीजिए, अपना इसने अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि यह चैनल आपके बीच में और भी मजबूती के साथ खड़ा हो सके। और मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, लेखपाल भर्ती के लिए जो विद्यार्थी तन्मयता से जुटे हुए हैं उनको भी विज्ञापन अतिशीघ्र देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि आपकी लोअर सब ऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा जो है वो अब लोक सेवा आयोग के माध्यम से आएगी, जनवरी माह में या दिसंबर लास्ट तक आपको लोअर सब ऑर्डिनेट का भी जो है विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एसडीआई का भी, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, उनका भी विज्ञापन आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगा। ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है, एक बिग अवसर है
आप इसका लाभ उठाइए और अपने जीवन को सुनिश्चित करिए। एक चीज मैं आपको और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस बार एलटी ग्रेड में आपको जो है मतलब थोड़े बदले हुए प्रारूपों में परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपके सब्जेक्ट के 130 क्वेश्चन और जीएस के 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, माइनस मार्किंग इस बार थोड़ी ज्यादा की जा सकती है। ठीक है, तो आप लोग पूरी सावधानी के साथ तैयारी करिए ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।